साहब जी, मारिया बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। खराब है मारी? अच्छा हुआ तुम आ गए बिलाल, बैठो। अब तुम ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ? तुम सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। हाँ ठीक थी, जब से वो एप्पल जूस पिया तो उसके बाद से ऐसी हालत हो गई। एप्पल जूस तुमने बनाया था? नहीं नहीं साहब जी, जूस मैंने नहीं बनाया था, वो सैम बीबी ने बनाया था। और वो फिर वो क्या क्या हो गया? चुप क्यों हो गई बताओ। जब मैं किचन में गई तो सैम बीबी जूस में कुछ मिला रही थी और मुझे देख के घबरा गई और एकदम से जूस दिया और कहने लगी मारिया बीबी को देखकर आ जाओ। देखा बिलाल, मैं कहती हूँ ना तुमसे, सैम को मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं है। तुमने देखा था कि सैम ने जूस में कुछ मिलाया है तो मारिया को दिया ही क्यों? अरे अरे बिलाल, उस बेचारी पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तो वही करेगी ना जो उसे कहा जाएगा करने को। तुम जाओ जाओ। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं, मेरी डॉक्टर से बात हो गई थी, मेरे पास दवाई रखी थी वो मैंने खा ली है, अब बेहतर फील कर रही हूँ। बिलाल तुम खुद सोचो, अगर डॉक्टर से बात करने की मोहलत ना मिलती तो क्या होता? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बहन अपने भाई की खुशियों के पीछे ऐसे कैसे पड़ सकती है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? जाओ अभी सैम के कमरे में जाओ और जाके देखो, वो दवाई अगर फेंकी नहीं होगी ना तो वही मौजूद होगी। जाओ जाके देखो।